यो भाई लोग कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। एक ये बंदा बहुत बोल रहा है। चलो शांत हो जा मेरे बेटे। और दोस्तों मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। अब ना एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। एक स्पेसिफिक व्हीकल को हम यहाँ पर चूज़ किया करेंगे, जैसे कि हम उसकी पूरे एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया करूँगा, ठीक है ना। व्हीकल कितना अच्छा है, गाड़ी क्या है, गाड़ी के अंदर क्या नहीं है क्या नहीं, एक स्पेसिफिक वीडियो एक गाड़ी के ऊपर। तो अभी ट्रेंड में चल रही है महिंद्रा की XUV 700, ठीक है ना। गाड़ी फ्रंट से लुक देख लो, इस टाइप की यहाँ पर जो है दोस्तों कार आती है। फिलहाल कार का इंजन जो है स्टार्ट है, वाइट कलर का वेरियंट है हमारे पास, और अलॉय व्हील्स टॉप एंड मॉडल में कुछ इस टाइप के आते हैं। बैक से कुछ इस टाइप की गाड़ी जो है लगती है। 7 सीटर वाला वेरिएंट है टॉप एंड। और इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा शानदार इंटीरियर है। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चलिए हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं। ऑलराइट, ये हमने कर दिया इंजन ऑफ, ये हो गया इंजन ऑन। ऑलराइट, देन पुश स्टार्ट बटन वहाँ पर है। सब कुछ बढ़िया, पैनोरामिक सनरूफ के साथ गाड़ी है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी, खूबसूरत कार है, बढ़िया। ये हमने कर दी लाइट्स ऑफ। ये DRL कुछ इस टाइप का है ऐसे, ठीक है, बढ़िया। थ्रॉटल अच्छा है, पहला गियर डाल दिया। ओके, तो हम इनिशियल भगा कर देखेंगे पहले, इनिशियल पिकअप गाड़ी का क्या निकल कर आता है, ठीक है ना। अब देखो मैं गाड़ी को जो है इधर वाले रोडवे के ऊपर को भी जो है लेकर जा सकता हूँ, बट मैं जो है बैक साइड आपको जो है लेकर ले जाकर दिखाता हूँ। गाड़ी बैक साइड में कितना, यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ रोड करेंगे पहले इस कार के साथ और देखेंगे क्या ऑफ रोडिंग के अंदर गाड़ी का क्या ही रिस्पॉन्स दोस्तों यहाँ पर है। हाँ देखो, अगर मैं इसको नॉर्मली इस पर जो है चला रहा हूँ तो देखो अच्छी तो है दोस्तों। देखो गाड़ी ठीक है, मैनुअल है, ठीक है, मैनुअल कार के हिसाब से मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है चला रहा हूँ और अच्छे तरीके से देखो चल रही है गाड़ी। हाँ हल्के से गियर और टकने की जो है वो तो मुझे भी यहाँ पर जो आवाज़ आई है। चलिए मैं इसको पहले फर्स्ट सेकंड गियर में पूरे खींच के रखूँगा मैं गाड़ी को, थर्ड गियर में। ओके, थर्ड से ऊपर RPM बढ़ ही नहीं रही, गाड़ी को गियर चाहिए ही नहीं। तीसरे में मौज कर रही है। मैं अपनी जब कार चलाता हूँ ना तो उसके मैं ये रखता हूँ RPMs, ये RPMs रखता हूँ अपनी कार के, जब मैं कार चलाता हूँ ना अपनी तो ये RPM रहते हैं मेरी गाड़ी के, और इतने तो ज़्यादा भाई बढ़ते ही नहीं RPM। उत्तरी, हाँ पर एक बात है, अगर तुम इन गाड़ियों को आराम से नहीं चलाओगे, सही तरीके से नहीं चलाओगे तो बस गाड़ी के अंदर वही दिक्कतें जो है नॉर्मल आती हैं। दूसरे गियर में 90 पे जा रही है। चलिए हम ना पहले इस गाड़ी का यहाँ पर एक बार टॉप एंड भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। गाड़ी का टॉप एंड क्या है, सब कुछ ठीक है ना। पहले गियर में कितने पे जाती है, दूसरे में कितने पे जाती है, मैं सब कुछ क्या सीन रहता है, ठीक है ना। पहला गियर डाल दिया फुल थ्रॉटल के साथ। चलो पहले पे एकदम गई गाड़ी 52, दूसरा गियर डलते ही गाड़ी गई 90, तीसरा गियर डलते ही गाड़ी जाएगी 127, चौथा गियर डलते ही गाड़ी जाएगी तीसरे गियर में 100 से अबव जा रही है 127। अभी तीसरे गियर का पता करना है। ओके 145, 5 गियर हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी के हिसाब से कुछ ज़्यादा कम गियर नहीं दिए कंपनी ने। हाँ कंपनी को थोड़ा सोचना चाहिए था इस इशू के बारे में। देख रहे हो, ठीक है, सीधा तीसरा गियर लगा दो। लॉन्चिंग में हल्की सी दिक्कत यहाँ पर बंदा जो है करता है, गलतियाँ नहीं करनी चाहिए लॉन्चिंग के अंदर।
सही चल रही है गाड़ी, डाल 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 पूरे 9000 आरपीएम को छूने के बाद यहाँ पर मैं जो गियर डालो तो पूरा जो मोटर है ना उसकी पूरी की पूरी इनिशियल पावर मैं यहाँ पर जो है निकाल देता हूँ। ठीक है, पूरी की पूरी पावर जितना निचोड़ सकता हूँ उतना निचोड़ रहा हूँ मैं इस इंजन को, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है भाई। देखो बहुत ज़ोर पड़ रहा है मोटर के ऊपर, और आरपीएम नहीं क्रॉस कर पा रही 150 के बाद, सीधा गियर चाहिए फिर इसे, और फिर 8000-7000 आरपीएम पे ही पावरफुल नहीं है गाड़ी इतनी। मतलब वही है कि बॉडी लाइन से गाड़ी को बहुत बड़ी बना दी, और मतलब पावर इतनी ज़्यादा सफिशेंट नहीं है जिस टाइप की गाड़ी है ना उस टाइप के लिए, बट कोई बात नहीं 160 वगैरह तो आराम से गाड़ी टच कर देती है। हाँ, इंडियन रोड के हिसाब से सही भी है दोस्तों, कंट्रोलिंग सही है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, स्टीयरिंग फीडबैक सही है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है। हाँ फिर पता है ना ज़्यादा हैवी के साथ क्या सीन होता है यहाँ पर। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है गाड़ी की, नो डाउट। चल मैं इधर ना हल्की सी पीछे से लग गई, बट कोई बात नहीं, हम इस चीज़ को तो फिक्स करा लेंगे। बट यार इतना गाड़ी को वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही नीचे गिरी गिरी सी है, थोड़ी और ज़्यादा पावरफुल कंपनी इसको बना सकती थी, बट कंपनी ने जो है जान पूछ कर नहीं बनाई, क्योंकि प्रॉफिट भी तो कमाना था ना, सस्ते दामों पे गाड़ी लेकर आनी थी। सही है, इसकी औकात इतनी भी नहीं है गाड़ी की। चलो थोड़ी सी फिक्स ही करवानी थी, क्योंकि मैं चाहता मैं ऐसे गाड़ी को चलाऊं। हैंड ब्रेक मार कर ही तुम्हारा भाई, भाई की ड्राइविंग दे कार तुम्हारे अपने। चलो चल, ये डाला चौथा गियर, हजार तो मैं चला कर रखता हूँ कार्स का। अब यहाँ से मैं हल्की सी ऑफ रोडिंग भी करूँगा, देख रहे हो एकदम से दूसरे गियर में आ गई। चलो बढ़िया, अब इसकी थोड़ी ज़्यादा नहीं हैवी, ज़्यादा हैवी अगर करूँगा तो दिक्कत दे सकती है, मैं काफ़ी नॉर्मल सी ऑफ रोडिंग इसकी जो करने वाला हूँ, और ऑफ रोडिंग में अगर मैं गाड़ी को भगाऊँ तो कितनी ज़्यादा कंट्रोल में गाड़ी जो है रहती है। देखो कंट्रोल तो बेहद है, बेहद रेलवे ट्रैक पर अभी मुझे क्या यहाँ पर स्पीड गाड़ी जो प्रोवाइड कर देगी। बस 100 तक गाड़ी देखो भाग रही है, इतने गड्ढों वड्ढों पर इसके सस्पेंशन के ऊपर ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा ना, कुछ फ़र्क नहीं है। गाड़ी कह रही है कि हाँ मैं चल लूँगी बारिश, तुम दिक्कत ना लो मैं चल लूँगी, गाड़ी का ये कहना है। हाँ चढ़ाई पर एक गियर छोटा करना पड़ता है, तीसरे में नहीं चढ़ जाएगी, इतनी पावरदार भी नहीं है। ये होना भी ज़रूरी है गाड़ियों के साथ। ओ भाई साहब, ये दिक्कत है ना कब बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी दिक्कतें देखो दोस्तों आती रहेंगी, तो थोड़ा सा इन दिक्कतों को यहाँ पर जो है भाई मद्देनज़र देखो भाई रखना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप इन दिक्कतों को भी नहीं रखोगे ना तो फिर तुम ज़्यादा आगे तक गाड़ी को नहीं लेकर जा सकते। देखो मेरा तो यही कहना है, मानना भी है, ठीक है गाड़ी यहाँ तक तो सही चली। यहाँ पर एक जंप है, काफ़ी अच्छे से इन्हें गाड़ी ने जंप को भी क्रॉस कर लिया। ओके डिग्गी विग्गी के लॉक एक मिनट में खुल गए, थोड़ी और पावरफुल, देखो थोड़ी और पावरफुल नहीं चाह रहा मैं गाड़ी, तो और ज़्यादा पावरफुल होती है और कुछ भी होता। हाँ गाड़ी देखो अच्छी है चलाने के मुकाबले। हाँ देखो इंटीरियर तो मैं भले ही थोड़ा सा जो कह रहे हैं ना लोग कि हमें तो रेंज रोवर वाली फीलिंग आ रही है गाड़ी के अंदर, इंटीरियर भले ही तुम्हें थोड़ी बहुत ही प्रीमियमनेस दे देगा, बट जब तुम गाड़ी को रियलिटी में चलाओगे ना तब तुम पता चलेगा रियलिटी में औकात भी कार की क्या है।
वैसे तो हर कोई बंदा देख के बोल ही देता है, हाँ भाई बढ़िया गाड़ी है, ये है वो है, तो जब रियलिटी में गाड़ी को चलाते हो ना तब पता चले भाई रियलिटी में गाड़ी के औकात भी यहाँ पर क्या है, समझ गए। यहाँ पर तो सही चल रही, हमने तो इतनी हाई स्पीड पर भी मैंने उसको जो है चढ़ा दी, यहाँ इतनी कंट्रोलिंग है पर उस हद तक की कंट्रोलिंग भी नहीं है। बस इतनी जल्दी इंजन में भी दिक्कत आ गई, बंद स्टार्ट होने से मना कर दिया इंजन ने, तो वायरिंग थोड़ी सी और ज़्यादा बेटर हो सकती थी यहाँ पर गाड़ी की। अब यहाँ पर एक ड्रॉप टेस्ट हो ही जाए इसी बात पर, पहाड़ों के मतलब की गाड़ी अगर यहाँ पर महिंद्रा ने बनाई है तो ऑब्वियसली उनने भी सोचा होगा कि गाड़ी जो है पहाड़ से गिर भी सकती है, बस ऊपर वाला ना करें कभी किसी गिरे। एक चीज़ महिंद्रा ने यहाँ पर दी थी गाड़ी में कि अगर गिर भी जाए तो गाड़ी सीधी रहेगी, वो है गाड़ी के अंदर बात, वो बात तो है, कुछ नहीं हुआ। तो मैं इस गाड़ी को 10 नंबर में से जो है 7 नंबर देना चाहूँगा, एक नंबर काटा इंजन पावर का, एक नंबर काटा बिल्ड क्वालिटी का, और एक नंबर काटा इसके एवरेज का, एवरेज बहुत कम है कार का, ठीक है 3 या 4 का एवरेज है इसका, बस मुझे तो इतना ही दिया। बाकी वो जो फीचर दे रखा है ना गाड़ी सीधी होने का, वो काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, अब भी सीधी गिरी, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी पसंद भी आई। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है एक बार कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट वीडियो में मुझे यहाँ पर कौन सी गाड़ी का जो है टेस्ट लेना चाहिए तो भी एक बार कमेंट करके आप ज़रूर से बता दो, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।